मैं फरहान इंडियन मीडिया बुक से, जो हमारा लीगल सीरीज चल रहा है उसका आज एपिसोड 2 है और हम आज बात करेंगे अरेस्ट के बारे में। अरेस्ट बहुत तरीके से होते हैं, आपको पता है, कभी किसी को रात में उठा के ले जाते हैं, या कभी पुलिस के ड्रेस में आते हैं, कभी बिना पुलिस के ड्रेस में आते हैं। तो इन सब की जानकारी पॉइंट बाय पॉइंट हम इसकी लेंगे ताहिर भाई से। ताहिर भाई, एक पहले ये बताइए, अरेस्ट अरेस्ट जो लफ्ज आदमी सुनता है तो हर आदमी घबरा जाता है, उसको नहीं पता चलता है कि इसके आगे वो क्या करे, तो स्टेप 1 में बताइए, उसके बाद जैसे जैसे आप बताएंगे हम और क्वेश्चन पूछते जाएंगे। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या है, एक राइट ऑफ लिबर्टी है जी, ठीक है, आर्टिकल 21 में। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी आदमी को उसकी लाइफ को और लिबर्टी को बगैर लीगल प्रोसेस के उसको नहीं छीन सकते। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी को भी आदमी को अरेस्ट करना है, पुलिस किसी भी केस में करना है, तो उसके एक लीगल प्रोसेस है। वो लीगल अगर प्रोसेस अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब दे हैव इन्फ्रिंज द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ दैट इंडिविजुअल, यानी कि उसकी ज़िंदगी को और उसके जो आज़ादी को उसको छीना है। तो अरेस्ट क्या है, एक क्रिमिनल सिस्टम में एक बहुत बड़ी, बहुत ज़रूरी एक वर्क काम है जो पुलिस का होता है। और इसका एक मेन मकसद क्या होता है, जो गुनहगार होते हैं उसको एक तो पकड़ना, दूसरा उसे और वो गुनाह नहीं करे दोबारा, और वो अपने गुनाह को और आगे नहीं बढ़ाए बोल के, इसको प्रिवेंट करने के लिए जो पुलिस कभी गुनहगार को पकड़ती है उसको अरेस्ट बोलते हैं। आम तौर पर हम लोग देखते हैं, लोग बात करते हैं कि हमेशा अरेस्ट के लिए एक अरेस्ट वारंट होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जो सेक्शन 41 जो बताता है जिसमें अरेस्ट कर सकता है पुलिस, तो उसमें कोई कंडीशन नहीं है पुलिस अरेस्ट कर सकती है, और उसमें कुछ कंडीशंस बताया चाहिए पुलिस कब किस हालात में अरेस्ट करती है, वो जानना है बहुत ज़रूरी है। तो बगैर मैं पूरे पॉइंट्स में जाने के बजाय, तो मेन मेन कंडीशंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। पुलिस कभी भी उस आदमी को अरेस्ट कर सकती है अगर कोई पुलिस के सामने कोई अगर गुनाह करे, तो ऐसे आदमी को इमीडिएट अरेस्ट कर सकती है। पुलिस को अगर कोई भी ऐसा पुलिस के सामने गुनाह करे, मतलब पुलिस के सामने कोई क्राइम हो रहा है, समझिए राइटिंग हो रही है या कोई चोरी हो रही है, पुलिस जा रहा है उसमें, कोई डकैती चल रही है, तो ऐसे आदमी को कभी पुलिस अरेस्ट कर सकती है, ठीक, वो उसको पहला करना। दूसरा कंडीशन क्या है, पुलिस को अगर कोई इनक्रिमिनल क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिले कि ये आदमी, फला आदमी, ये ऐसे गुनाह में मुब्तला है जिसकी सजा 7 साल से ज़्यादा है, तो ऐसे आदमी को भी पुलिस बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकती है। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा पुलिस को कभी एक ऐसे इन्फॉर्मेशन मिले कि कोई आदमी कोई फला जगह से गुनाह करके उसके ज्यूरिडिक्शन में छुपा हुआ है, तो ऐसे आदमी को भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। ऐसे प्रोक्लेम ऑफेंडर होते हैं जिसके लिए वारंट की भी जरूरत नहीं, वारंट की भी जरूरत, और प्रोक्लेम ऑफेंडर होते हैं जो कि रॉडी लोग और जो गुंडे लोग बहुत जो रहते हैं फेमस, उनको भी पुलिस किसी भी उसमें वो अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, आप कभी कोई पुलिस कोई काम कर रही है, ठीक है, उसमें कोई शख्स, जैसे कि आप तौर में देखते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रहती है रोडों के ऊपर, रोक के इंक्वायरी करते हैं, ऐसे अगर कोई आदमी उस आदमी पुलिस के काम को बाधा डाले, ठीक, उस टाइम में भी क्या कर सकती है पुलिस, उस आदमी को अरेस्ट कर सकती है। और कोई आदमी जो अपने को, अपनी आइडेंटिटी को छुपाए, यानी पुलिस से छुपाए, आमतौर में सोसाइटी में छुपाए, उस आदमी को भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। मगर उसमें कंडीशन क्या है, जब जैसे ही उसको अपनी आइडेंटिटी को उन्हें एस्टेब्लिश कर दे या रिवील कर दे, तो पुलिस उसको इमीडिएट उसको छोड़ना है। तो इसमें जो मोटा मोटा क्या चीज़ है, अगर कोई भी ऐसा गुनाह जिसका कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ऐसे ऑफेंस का अगर किसी को पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो ऐसे आदमी को पुलिस अरेस्ट कर सकती है। ये है सेक्शन 41, ठीक है। और अब 2004 में एक और अमेंडमेंट हुआ, 2003 में अमेंडमेंट हुआ, जिसमें नया सेक्शन 41A ऐड किया गया। उस सेक्शन 41 में स्पेसिफिकली क्या बोला, जो सेक्शन 41 के अंदर जो पावर है वो एक अनब्रिडल पावर, यानी कि उसके अंदर कोई भी लगाम नहीं है, कोई भी पुलिस, तो उसमें एक लगाम क्या डाली गई 41 में डाली गई, 41A में, उसमें क्या बताया गया, कोई भी जिसके ऑफेंस जिसमें सजा 7 साल से कम है, उसमें पुलिस किसी को इमीडिएट अरेस्ट नहीं करना है, उसको पुलिस क्या करना है, 41A के अंदर नोटिस भेजना है, और उस नोटिस में क्या लिखा रहेगा, भाई फला फला आदमी ने ये कंप्लेंट दिया है तुम्हारे बारे में, और इससे, इस कंप्लेन के बारे में तुम्हें क्या बोलना है। पुलिस इस इंक्वायरी के बाद पुलिस को सेटिस्फाई हो जाए पुलिस की अरेस्ट करना है, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। अब एक रिसेंटली एक जजमेंट भी आया है जो कि 2013 में आया है, अरनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया है कि सेक्शन 41A के बारे में, सेक्शन 41A का एक मैंडेटरी प्रोविजन है जिसे हर पुलिस ऑफिसर उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर ये इम्प्लीमेंट नहीं करे,
तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिया है कि ऐसे पुलिस ऑफिसर के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलेगा और उसको डिसमिस भी किया जाएगा। और एक और उसमें राइटर डाला है सेक्शन 41 के ए के बाद, इंक्वायरी के बाद अगर पुलिस को लगे आदमी को अरेस्ट करना ज़रूरी है इस केस के लिए, तो वो अपने आप अरेस्ट नहीं कर सकता, वो क्या करना है, वो डीसीपी को, हायर रैंक के ऑफिसर को कॉन्टेक्ट से परमिशन लेकर उसको अरेस्ट करना है। और अरेस्ट करते टाइम उसे रीज़न बोलना है, इसको मैं क्यों अरेस्ट करना है। इसमें एक और नेक्स्ट लेवल क्या दिया है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में, अगर ऐसे किसी भी आदमी को अरेस्ट ले करके अगर उसमें लेके आए मजिस्ट्रेट के सामने आए, तो मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है वो चेक करना, वेरीफाई करना पुलिस ने जो रीज़न दिया है वो वैलिड रीज़न है या नहीं, उसको अरेस्ट करके जुडिशियल कस्टडी भेजना है नहीं भेजना है। और अगर पुलिस ने उसको 41A को फॉलो नहीं किया है तो उसके इमीडिएट से रिलीज़ करना। उसके बाद भी अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं इन्हें पुलिस ने सही अरेस्ट किया है और इसको जेल भेजना है, जुडिशियल कस्टडी भेजना है, तो मजिस्ट्रेट खुद दोबारा से एक रीजनिंग लिखना है, मैं इसको क्यों जुडिशियल कस्टडी भेज रहा हूँ। और उस जजमेंट में खास एक और बात बताई गई है, अगर कोई भी मजिस्ट्रेट ऐसा नहीं करता है तो हाई कोर्ट उसके खिलाफ डायरेक्शन एक्शन ले सकता है और उसको डिसमिस भी और सस्पेंड भी कर सकता है। तो ये लॉ में इतना बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो अरेस्ट के कुछ अरेस्टी के एक राइट्स हैं जो कि हमारे आर्टिकल 20 में ही बताए गए हैं और सीआरपीसी के अलग अलग प्रोविजन भी बताए हैं, उनमें अरेस्टी के सबसे क्या राइट्स हैं, अगर किसी भी पुलिस किसी भी आदमी को अरेस्ट करती है तो 24 आवर्स के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, उसका मेडिकल किसी भी चेकअप, टाइप का अरेस्ट हो, कोई भी अरेस्ट हो 24 आवर्स के वो अंदर, 7 साल के ऊपर वाला जो कोई गुनाहगार सा हो। भी, वो मैंने आपको बता दिया कौन किस कंडीशन में अरेस्ट कर सकती है। हाँ, वो तो हो जो गया नहीं। अब अरेस्ट हो गया आदमी, हाँ, तो जब आदमी अरेस्ट हो गया तो पुलिस उसको पहले तो उसको बताना है, उसकी इन्फॉर्मेशन उसको देना है कि मैं तुझे अरेस्ट कर रहा हूँ इस गुनाह के लिए, तेरे को अरेस्ट कर रहा हूँ, जी एक तो इन्फॉर्मेशन देना है, प्लस उसके फैमिली के किसी मेंबर को ये इन्फॉर्म करना है ऐसे फला आदमी को मैं इसलिए अरेस्ट कर रहा हूँ, इस केस के लिए अरेस्ट कर रहा हूँ। तीसरा उसको बताना है कि अगर वो उसको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, ठीक है, और उसको मेडिकल चेकअप करना है। ये हमारे ये जो यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन चार्टर है उसमें भी ये कंडीशंस बताई गई हैं, हमारे आर्टिकल 20 के अंदर भी कंडीशन बताई है और सीआरपीसी के अंदर भी दूसरे ये कंडीशन है। अगर इसमें कुछ भी कंटरवेंशन होता है और कुछ भी कोई पुलिस वाले इसको फॉलो नहीं कर सक करते हैं तो उस मोर देन 24 आवर्स की अरेस्ट होती है वो आमतौर में इलीगल अरेस्ट होती है। तो अब ये बताइए कि बहुत होता क्या है कि पुलिस उठा कर लेके चली जाती है, 3-4 दिन तक पुलिस स्टेशन में रखती है, तो इस सिचुएशन में वो आदमी क्या करेगा? देखिए आमतौर पे क्या होता है, पुलिस जैसे मैंने बताया ना वो 24 आवर्स के अंदर होती है, मगर आमतौर पे क्या होता है, हम लोग जो देखते हैं हमारा जो एक्सपीरियंस एज एडवोकेट भी और जो सोसाइटी के अंदर भी देखते हैं, पुलिस एक आदमी को अरेस्ट करती है, उसे 3-4 दिन अपने पास रखती है कस्टडी के लिए, घर वाले आते हैं तो उसको बोलते हैं हम छोड़ देंगे अभी, छोड़ देंगे अभी, छोड़ देंगे, और लॉ क्या बोलता है पुलिस किसी के ऊपर जाती नहीं करनी है, मारपीट नहीं करना है, मगर ये लोग उसको मारते हैं बहुत कुछ करते हैं। फिर उसके बाद जब उस आदमी को लेकर आते हैं तो लॉ में उसको प्रोटेक्शन क्या रखा हुआ है, मजिस्ट्रेट उससे इंक्वायरी करता है, सबसे पहले इंक्वायरी क्या करता है कि तुमको कब अरेस्ट किया, निम्गे यावाग अरेस्ट माड़ी दिरा, ओके मजिस्ट्रेट का सबसे पहले सवाल ये क्वेश्चन होता है। आपको मैं बताऊं फरहान साहब, 99.99% केसेस में आदमी 4 दिन तक मार खाता रहता है पुलिस को, 4 दिन 5 दिन से पुलिस के अंदर रहता है, फिर भी जाके पता है क्या बोलता है, नहीं नहीं अरेस्ट आगे यानी कल ही मुझे अरेस्ट हुआ, अभी कल ही किया है, वो जो प्रोसीजर है उसके प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है। फिर उससे मजिस्ट्रेट पूछता है तुझे कोई गलत कुछ तकलीफ दी क्या, उन्हें मार खा के रहता है, पैर सूजा रहता है, आंख सूजी रहती है उसकी, फिर भी बोलता है इल्ला स्वामी, बोलता है मैंने नहीं नहीं कुछ भी किया। नहीं हुआ। तो ये एक्चुअली जो पूछने का मकसद क्या है कि ये जो प्रोटेक्शन है ये, अब अगर आपने जब बोला, अगर मजिस्ट्रेट को आप अगर बोलेंगे कि मुझे उसने 5 दिन से रखा है और मुझे इतना मारा है, तो मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी क्या है, उसको इमीडिएट उसको रिकॉर्ड करना ऑर्डर शीट में, और उसको उसने अगर मारने का आया तो इमीडिएट उसको मेडिकल चेकअप के लिए भेजना, मेडिकल चेकअप के लिए भेजना, ये मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है। और अगर उस ऐसा अगर मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड कर लिया सारी चीज़ें, तो मैं आपको बताता हूँ गारंटी से, इस दौरान अगर पुलिस ने जो भी झूठे सबूत आपके खिलाफ किए हैं वो पूरे सबूत जीरो हो जाएंगे और केस में आपको आराम से बेल भी मिलेगी और आपको केस भी आपको आसानी से आपका आपके फेवर में जा सकता है। पर होता क्या है कि आमतौर पर मजिस्ट्रेट भी कभी लिखता नहीं है, तो आपको एक बहुत ज़रूरी है, आपके पास एक कॉम्पिटेंट एडवोकेट चाहिए जो कि इस चीज़ों को आपने जो भी बोला है वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर शीट में रिकॉर्ड करे। और आमतौर पर क्या होता है, जो कोर्टों में कोई भी एडवोकेट आता है कि आपको बोलता है कि मैं आपको रिलीज कर दूंगा, तो आप क्या जल्दी से उसके सामने साइन कर देते हैं, फिर वो एडवोकेट तो काम भी कुछ तो करते हैं कुछ नहीं करते, जो नहीं करते वो आपको बहुत परेशान करते हैं,
तो आप अगर कोई भी आपको किसी भी लेवल पे कोई भी एडवोकेट आपको सिलेक्ट करना है तो आप सोच समझ के देख समझ के ही आप एडवोकेट सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि एक अच्छा एडवोकेट कॉम्पिटेंट एडवोकेट क्या होगा, आपको बहुत सारी परेशानियों से बचा सकता है और आपको बहुत जल्दी जल्दी रिलीफ दिला सकता है। तो बात यह है कि लॉ तो बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, लेकिन होता है क्या है कि फॉलो नहीं होता है जी जी और जी हर कोई अपने लेवल पे उसको तोड़ता है, जी जी तो ये तो आम मसला है। तो इसको से बचने के लिए आदमी के पास कोई रास्ता नहीं। नहीं, बहुत सारे रास्ते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो मैंने बताया लॉ में पूरा लॉ है, उसका एक प्रोटेक्शन भी रहता है। ठीक है, अब जैसे किसी आदमी को 3 दिन 4 दिन से पहले अरेस्ट कर लिया और हमें मालूम नहीं चल रहा है, कभी रात को लेके चले जाते हैं सिविल ड्रेस में, हमें मालूम, घर वाले अगले दिन जाते हैं उसे पूछते हैं पुलिस स्टेशनों में, मालूम चलता नहीं उनको, तो इसके लिए एक लॉ में एक रिट पिटीशन बनाया, उसे रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस में क्या है, इमीडिएट जिसका भी लीगल अरेस्ट हुआ है और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि ये कहाँ पर है हमारा बच्चा या हमारा साथी या हमारा दोस्त, तो आप उसको इमीडिएट क्या करना है, आप हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार को एक लेटर लिखना है। आपको उसके लिए कोई एडवोकेट की भी ज़रूरत नहीं है, आप हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार को एक लेटर लिखना है कि मेरे ऐसे फलां फलां मेरे दोस्त को या मेरे बेटे को या मेरे भाई को इतने इस वक्त में पुलिस यहाँ से ले गई और हमें शक है कि इसे इलीगल कस्टडी में रखा गया है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि जो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस है जो है ये इमीडिएटली सुनना है उसको कोर्ट ने, और एक लेटर के थ्रू भी उसको एंटरटेन कर सकते हैं। आप कोई भी इलीगल अरेस्ट आपको आराम से उसे बच सकते हैं, तो ये कि ये तरीका है। दूसरा क्या है, सेक्शन 97 CRP से बताया कि इसको आप सर्च वारंट इशू करा सकते हैं। आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के पास जाकर एक अच्छे एडवोकेट का साथ लेके, एक अच्छे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, एक अच्छे एडवोकेट के साथ एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे तो सेक्शन 97 के अंदर में एक मजिस्ट्रेट आपको एक अरेस्ट वारंट, सर्च वारंट देता है। तो सर्च वारंट में वो है उसी एडवोकेट को जिम्मेदारी देता है या किसी और कोर्ट ऑफिसर को जिम्मेदारी देता है जिस जगह पे आपको शक है कि मेरे भाई को या बेटे को इस जगह में पुलिस ने इलीगली रखा है या पुलिस के अलावा किसी और ने भी इलीगली रखा है, तो आप उस सर्च वारंट के जरिए जाके पुलिस प्रोटेक्शन में जाके उस जगह सर्च कर सकते हैं। और उस सर्च के दौरान अगर वो आदमी मिल गया, वो अगर अरेस्टी या डिटोनी मिल गया, तो वो उसके तो उस पुलिस ऑफिसर ने या जिस आदमी ने उसके ऊपर डिटेन किया है उसके ऊपर लीगल कार्रवाई होगी और उसके ऊपर बकायदा मुजरिमों की तरह केस बुक होएगा। तो ये सारे लॉ प्रोटेक्शन है। ये प्रोटेक्शन लॉ होने, इतने अच्छे लॉ होने के बावजूद भी हम क्यों इसमें पीछे रह जाते हैं या क्यों हम लोग परेशान रहते हैं इस लॉ के, क्योंकि हमें एक तो इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, बस अच्छे लोग हमें रास्ता दिखाने वाले नहीं मिलते। तो ये आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कोशिश शुरू करी है जिससे कि आप आम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो हमें क्या है, गलत चीज़ से बचना है, किसी बुराई में बस पढ़ना नहीं है। जब बुराई में अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं और हमारे ऊपर कोई ज्यादती हो रही है, जैसे इलीगल अरेस्ट हो रहा है या इलीगल डिटेंशन हो रहा है, तो हमें बगैर सोचे हमें लॉ को इस्तेमाल करना है, उसी में हमारा प्रोटेक्शन है, उसी में हमारी हिफाजत है। अच्छा, ये कभी कभी अरेस्ट रात में करते हैं और मजिस्ट्रेट के पास पेश कर देते हैं, तो उस वक्त क्या करेगा आदमी? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना, आपको एक अच्छा एडवोकेट चाहिए कि आपके जो आपने बोला है ऑर्डर शीट में रिकॉर्ड हो सके। अब देखिए, जो लॉ बनाने वालों को ये भी मालूम था कि ऐसा कभी मजिस्ट्रेट के सामने रात को होएगा और आदमी कंप्लेन करेगा, मजिस्ट्रेट लिखेगा नहीं, तो इसलिए भी इसमें क्या कंडीशन बताई गई है कि जो भी जब भी मजिस्ट्रेट के घर में पेश करते हैं किसी भी आदमी को, तो मजिस्ट्रेट जो भी लिखता है ऑर्डर शीट में, समझिए आपने कंप्लेंट की है पुलिस वाले के खिलाफ और मजिस्ट्रेट ने उसमें लिखा नहीं लिखा, आपको कैसे मालूम चलेगा? मजिस्ट्रेट आपसे साइन कराता ऑर्डर शीट में, तो उस वक्त में आप ऑर्डर शीट आपको पढ़ना है कि उसने क्या लिखा है। अब मान लीजिए आपने पढ़ना नहीं आता, कन्नड़ा में लिखते हैं या इंग्लिश में लिखते हैं, आपको पढ़ना, तो आप मजिस्ट्रेट से पूछना है क्या लिखा है उसने, उन्हें बोलेगा, अगर मान लो आपकी लैंग्वेज समझ में आए तो उसे बोलना है ट्रांसलेट करके बोलो क्या है। जब आप सेटिस्फाई हो जाएं तभी उसमें सिग्नेचर करना है ऑर्डर शीट में, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ऑर्डर शीट में सिग्नेचर नहीं करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं वो जो मजिस्ट्रेट आपके सामने जज बन के था वो आपके सामने बिल्कुल छोटा बन जाएगा और आपको आपको जो भी आपने बोला है वो आपको पूरा काम करेगा। तो ये प्रोटेक्शन काय के लिए दिया है कि क्योंकि लॉ बनाने वालों को सब अच्छे ढंग से मालूम था ऐसी ऐसी इवेंचुअलिटीज आएगी, तो इसके लिए आप ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें और ये ऐसी ऐसी चीजें जो कि आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो और कुछ चीज जो आदमी ख्याल रखे इसके लिए? इसमें एक और खास बात है, इसमें औरतों से रिलेटेड एक चीज है, क्योंकि औरत को क्या है 6 बजे के बाद पुलिस स्टेशन नहीं बुलाना है। अच्छा, उसे अरेस्ट भी करना नहीं, बुलाना भी नहीं किसी इंक्वायरी के लिए, और अगर किसी औरत को अरेस्ट करते हैं तो उसके साथ एक लेडी ऑफिसर रहना है और कोई भी पुलिस वाला, जेंट्स पुलिस वाला लेडी को अरेस्ट नहीं करना है।
और लेडीज़ को किसी भी हालत में 6 बजे के बाद पुलिस स्टेशन में रखना नहीं है, और विद इन 6 o'clock उसको मजिस्ट्रेट के साथ घर में पेश कर देना, उसको मजिस्ट्रेट के सामने। ये औरतों से रिलेटेड है ये। जी, तो उनको रात में पुलिस स्टेशन जी में जी जी इसमें बिल्कुल भी रखना नहीं है उनको, बिल्कुल देरी भी लगानी नहीं है, और एक इमीडिएट उनको अगर उन्होंने लीगल अरेस्ट किया है तो उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जी, ठीक वो जो भी कार्रवाई करना है वो कर सकते हैं वो लोग। है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। थैंक यू सो मच।